चांदा बाजार के रहने वाले एक सर्राफ व्यवसायी के घर डकैती की योजना बनाते समय छह आरोपियों को स्वाट टीम और चांदा थाने की पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान अवैध असलाहा और लूट की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इस गिरोह ने सुल्तानपुर ही नहीं पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में भी कई संगीन अपराधों में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम की इस कार्यवाही के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पकड़े गए सभी आरोपी जनपद प्रतापगढ़ के हैं, जिसमें नरसिंह यादव इस पूरे गिरोह को चलाता था और 15 वर्षों में मात्र 2 बार ही गिरफ्तार हुआ है। ये आज चांदा पुलिस टीम ने और स्वाट टीम ने अपने हमारे सीओ लम्बुआ के बहुत कुशल निर्देशन में ये एक एक्सट्रीमली गुड वर्क इन्होंने किया है, जिसमें कि हमने 6 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जो कि एक डकैती की योजना बना रहे थे, जिनका पूर्व में भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूरा गैंग प्रतापगढ़ का गैंग है, जो कि जनपद प्रतापगढ़ और जनपद सुल्तानपुर में भी कई लूट की घटनाएं कर चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रिवेंटिव पुलिस करते हुए हमारी पूरी टीम ने इनको उस समय पकड़ा कि जब ये एक दूसरी बड़ी घटना जनपद में एक ज्वेलर को लूटने वाले थे, तो उसको बड़ा मेहनत से प्रिवेंट की गई ये घटना। इन सभी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 तमंचा बरामद किए हैं, मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। हाल ही में जो एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी, उस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करके इनका बड़ी लूट को अंजाम देने का पूरा प्लान था, जिसको टाइमली इंटरसेप्ट किया गया और घटना को प्रिवेंट किया गया। ये बहुत ही अच्छी सफलता पूरे हमारी स्वाट टीम और थाना चांदा की टीम की है। इस अच्छे गुडवर्क के लिए मैं सीओ लम्बुआ को प्रशस्ति पत्र हम देंगे और इसके अलावा जो पूरी टीम जिसने इसमें अरेस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा।